गाइज़ असलमेकम अदनान फरूक हेयर एट योर सर्विस अदनान फरूक डॉट कॉम एंड टुडेज टॉपिक इज ए कंटिन्यूशन ऑफ द पोस्ट दट आईज मैंने पिछले हफ्ते एक पोस्ट लगाई थी एंड देर व लॉर्ड ऑफ कॉमेंट्स फ्राम यू गाइज एंड लॉर्ड ऑफ आउट रेच इज़ वेल दैट अदनान सिर्फ छोटी सी बात कर देता है और उसके आगे फॉलो थ्रू नहीं करता सो so, टुडेज uh, topic is a continuation of estrogen. But before I talk about that, I want to first wish you wish everybody. So practically I think everybody is home. So I thought why not connect with you guys? Aap ghar pe mein, main kar rahun, and I want to connect with you and hopefully educate you. So by the end of this session guys, by the end of this session, hopefully, I think that's that बहुत सारी फीमेल प्रॉब्लम्स हैं इनका नेचुरल क्योर क्या हो सकता है बिकॉज ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी एंड व्हेन आई दैट आई एम आई एम कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड डीलिंग विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स दैट हमारा जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी हुई है uh, uh, दीगर प्रॉब्लम्स यू नेम इट वी गॉट थिंग्स लाइक फाइब्रॉयस वी गॉट थिंग्स लाइक एक्सट्रीम मूड स्विंग्स वी गॉट थिंग्स लाइक वेट गन इस्पेशली इन दिप्स थाइज इन बेली वीफ गॉट एंडोमीट्रियोसिस वीफ गॉट पेनफुल पीरियड्स वीफ गॉट मैंस्ट्रल ईज़ तो ये बहुत सारे जो जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हल uh, इस वक्त ढूंढना बहुत क्रिटिकल हो चुका हुआ है और हम क्या कर रहे हैं कि हर uh, इस प्रॉब्लम को मेडिसिनल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को मेडिसिन से ठीक करने की जरूरत है कोशिश कर रहे हैं नाउ आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड आई एम कन् नाट कन्टर टू यू के यू यू शुड बी टेकिंग मेडिकेशंस बट व्हाट आई डू नो एंड आई डू नो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एज दोज विद माय क्लाइंट्स इज यू ऑलवेज ट्राई द नेचुरल रूट फर्स्ट सबसे पहले आप अपनी नेचुरल uh, क्योर की तरफ जाते हैं क्योंकि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो लिवर और बॉडी के अंदर ऑलरेडी केमिकल प्रोडक्शन की कमी नहीं है हमारी इन्वामेंट से और हमारे जो माहौल से हमारे लाइफ स्टाइल से ऑलरेडी वी आर ओवरलोडेड विद टॉक्सेंस एंड केमिकल्स बात में थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको जिस सिर्फ कन्विंस करने के लिए दैट मेडिसिन इज़ नॉट द फर्स्ट अप्रोच

यू नो एज एज मच एज आई डू के दवाई खाने से आपका प्रॉब्लम जाती नहीं है टेम्पोरेली डिले हो जाती है सो वट एम सींग एज वी गो टू द रूट कॉज सो अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग आर कमिंग फ्राम अ पॉइंट ऑफ हॉमोनल बैलेंस और अब मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ आपने देखा है कि इस लाइव सेशन का कैप्शन uh, है एस्ट्रोजिन एंड द फीमेल प्रॉब्लम्स नाव let me give you a little bit of the background because you should know the background. Iskandar, if you stick around till the end, i will give you some really important and doable tips that you can incorporate in your life. Aap, uh, agar abkar lifestyle pakistani behej, आपका और mera pakistani है तो net sujou abkar information milti hai, that becomes way too difficult. you can google it right now, but the solutions that you will find that may uh, baffle you they may confuse you. So we need something that we can apply in our environment that's something that is 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 applicable to our uh, lifestyles. Correct? So let's get started. first to estrogen is a very powerful dominant female hormone. Hai? Jab, uh, maa hota hai, agar estrogen versus testosterone so इट देर अ बेबी गर्ल और अगर टेस्टोस्टर ज़्यादा हो जाए दैन इट्स अ बेबी बॉय सो दैट इज़ हाउ पावरफुल हॉमोन्स आर नाउ वॉट हैपन्स इज विद लाइफ स्टाइल डिग्रेडेशन लाइफ स्टाइल्स हमारे चेंज हो चुके हुए हैं हमारे जो खाने हैं उनके अंदर दिन नॉट प्योर हम जो uh, जिस इन्वायरमेंट जिस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो हम प्लास्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं जो हम स्प्रेज़ uh, का यूज़ कर रहे हैं जो हम हर चीज़ uh, uh, अपनी डाइट से जो ले रहे हैं जो हर चीज़ के अंदर जो केमिकल है इसके करने से क्या हो रहा है कि हमारे हार्मोन इम्बेलेंस हो रहे हैं और ये सिर्फ दिस इज़ नॉट जस्ट विद वेमन इट इज़ हैपनिंग विद मैन ऑफ ऑल एजेस एज वेल बट हेयर्स द किअ रिसर्च uh, ये बता रही है इनफैक्ट साइंस ये बता रही है कि वेमेन अप टिल द एज ऑफ थर्टी आर ओके लाइक मेजॉरिटी को आप देखें तो वैसे तो आजकल तो आवे का आवे के अंदर प्रॉब्लम है बट इफ़ यू कंपेयर बिफोर योर इफ़ यू कंपेयर योर बिफोर थर्टीज़ वर्सेस योर आफ्टर थर्टीज़ आई हैव रिपीटेडली एक्सपीरियंस्ड लेडी सिंग के uh, अदनान जब बीस uh, साल के थे पच्चीस साल के थे अट्ठाईस साल के थे तब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी बट सम हाउ समथिंग हैज़ चेंज सिंस एव हिट थर्टीज और उसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिकॉज साइंस ये बता रही है कि एस्ट्रोजन, जो जो फीमेल हार्मोन है उसके उसके एक्शन को जो न्यूट्रलाइज़ करती है दूसरा हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्ट्रोन तो ये क्या होता है कि जब आप स्पेसिफिकली मिड थर्टीज़ में पहुँचते हैं तो आपकी बॉडी पेरी मेनोपॉज में जा रही होती है विच मीन्स दैट योर बॉडीज हॉर्मोन्स आर चेंजिंग एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मेनोपॉज विच इज़ गोइंग टू कम मे बी फिफ्टीन ईयर्स डाउन द रोड बट द प्रोसेस स्टार्ट वेरी ग्रेजुअली अब ये मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूँ नॉट टू इम्प्रेस यू बट टू इम्प्रेस अपॉन यू दैट प्लीज़ फॉर गॉड सेक एजुकेट योर सेल्फ ऑन जस्ट द बेसिक्स आई विल नॉट गिव यूर साइंस लेक्चर लेकिन मैं कुछ बेसिक्स आपको समझाना चाह रहा हूँ कि समझोगे तो सही डिसीजन ले लोगे वरना यू विल हैव नो वन टू ब्लेम और यहाँ पर मैं एक बात सॉरी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्सट भी कर चला जाता हूँ जज्बाती भी शायद हो जाता हूँ वो ये कि आप इस वक्त गूगल करें और आ, आप कैंसर के बारे में गूगल करें तो आपको पाकिस्तान में 16 किस्म के कैंसर मिलते हैं 16 टाइप्स ऑफ कैंसर आर प्रेवलेंट इन पाकिस्तान एज ऑफ नाउ और ये इंफॉर्मेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है आई बिलीव द लास्ट टाइम दे कंडक्टिड दिस स्टेटिस्टिक वॉज बैक इन टू थाउजेंड एट उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ हुआ और ये uh, बारह साल पुराने इन्फॉर्मेशन है तो उस वक्त ये बताया जा रहा था डब्ल्यू एच ओ ये कह रहा था कि पाकिस्तान में नंबर वन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है एंड दैट टोटली ब्लूमी ऑफ आई वॉज रियली रियली सरप्राइज के हाउ इज़ दिस इंफॉर्मेशन ट्रू एंड यू इफ़ यू बैक ट्रैक ब्रेस्ट कैंसर तो आपको उसकी बिगिनिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन और एस्ट्रोजन डोमिनेंस मिलती है जो कि इस वक्त बहुत सी खातन की प्रॉब्लम है बट दे जस्ट डोंट नो वट टू डू अबाउट इट बिकॉज या तो आपके पास दवाई है या दूसरा आपके पास डाइट और एक्सरसाइज है ये दोनों चीजें काम करती तो हैं लेकिन कितनी काम करती हैं ये आपको भी पता है मुझे भी पता है नाउ आई एम नॉट दैट आई एम अगेंस्ट आदर ऑल आई एम सेंग इज यू नीड टू सप्लीमेंट योर अप्रोच विद न्यू इन्फॉर्मेशन सो बात हम कर रहे थे एस्ट्रोजिन की तो ये फीमेल डोमिनंट हॉर्मोन है और विद एज स्पेसिफिकली मिड थर्टीज की मैं बात कर रहा था एज योर बॉडी प्रिपेयर फॉर पेरीमेनोपोज सो वट हैपन्स इज एस्ट्रोजिन इज मोर बिकम्स

हमारे क्या स्टेट आती है एस्ट्रोजन डोमिनेंस की हाई एस्ट्रोजन की और अगर आपको ये टर्म और ये बातें नहीं समझ में आ रही तो इन सिम्टम्स को जरा नोट कर लीजिए और ये बाय द वे ये जो ये थोड़े से सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं द लिस्ट इज वे टू लॉन्ग एंड इट वुड टेक वे टू मच टाइम सो लेट्स गेट स्टार्ट क्या क्या हाई एस्ट्रोजन के सिम्टम्स हैं वो नोट करते जाए नंबर वन प्रीमेंटल सिंड्रोम ये जो आपको मैंस्टुल uh, से पहले मैंस्टल साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो आपको यू स्टार्ट गेटिंग दैट नेगेटिव फीलिंग मेंटली और फिजिकली आपको जो सेंसेशंस फील होती हैं वी कॉल देम पी ठीक है दैट इज बिकॉज ऑफ हाई एस्ट्रोजन वेट गेन इज बिकॉज ऑफ हाई एस्ट्रोजन और स्पेसिफिकली हिप्स थाइज और बेली का जो फैट है यहाँ पे जो अक्यूमलेशन है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन नाउ I see a lot of women that are squats on squats, calories are diet. Kar rahi For God's sake, you are not in the 1980s. You are in the 2020s. So you need to act and think that way. So weight gain, especially in the lower body, is because of high estrogen. Fibroids is because of high estrogen. Endometriosis is because of high estrogen. Painful menstruation, bloating, water retention. मूड स्विंग्स इंसॉमिया इंग्जाइटी डिप्रेशन लाइक ए सेट द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन तो आप देख सकते हैं कि कितनी चीजों की जो जो एक ही प्रॉब्लम आ रही है वो है अन अपोज एस्टोजन नाओ द क्वेश्चन बिकम्स नाओ दैट यू नो दैट दिस इज योर प्रॉब्लम वट टू डू अबाउट इट दैट इज वेयर आई कम इन दैट्स वेर द नेचुरल क्योर कम्स इन नाउ वट आई नीड यू टू डू इज पे अटेंशन बिकॉज होता पता है क्या है? कि आपने ये लाइव सेशन देखा आपने आपको पसंद आया या आपको नहीं पसंद आया आपने कहा चलो ठीक है और वो बात रात गई बात गई वो खत्म हो गई सो प्लीज स्टार्ट टेकिंग नोट्स इफ योर मेमरीज गुड मेंटल नोट्स ले लें अदरवाइज लिखते जाए मैं आपको न्यूट्रिशन के ऊपर चीजें बताऊंगा और वो क्या है कि योर द वॉट यू ईट इज द गेम चेंजर योर लाइफ स्टाइल Is the game changer something that you will do on a consistent basis is going to make the difference between success and failure. What am I simply trying to say? Okay, Joe, the way you conduct your the, from the moment you wake up till the point you go to sleep and everything in between is connected to this state called estrogen dominance. और इसको हम कैसे करेंगे वी टेक अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बिकॉज हम सारी चीज़ों को ठीक करने बैठेंगे तो हम ओवरवेलम हो जाएंगे हम शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देंगे सो वॉट हैव डन इज आई सिंप्लीफाइड फॉर यू सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहली चीज क्या करनी है ये जो चिकन की कंजम्पशन है जो कन्वेंशनल चिकन है जो नॉन ऑर्गेनिक है सबसे पहले इसको निकालें क्योंकि जिस तरह ये चिकन रेज किया जाता है इसके अंदर जो हॉमोन के इंजेक्शंस हैं दैट इज रेजिंग योर एस्ट्रोजन लेवल्स सो आई नो फॉर एवरीबडी हैज़ लव फॉर चिकन बट प्लीज दिस इज़ वी आर टॉकिंग हेल्थ एंड वी आर टॉकिंग वी आर टॉकिंग अट ऑफ अ प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट फिक्स इट राइट नाउ देन चांसेज आर विद टाइम एंड विद अ बैड लाइफ स्टाइल विद बैड ईटिंग हैबिट्स दिस कुड ट्रांसलेट इन टू सम विथ मोर सिनिस्टर एंड सीरियस सो टेक चिकन आउट ऑफ योर डाइट और अगर आपके घर में चिकन पकता है और यू नो बिक जॉइंट फैमिली सिस्टम भी होता है तो आप बाकियों के लिए पका लें उनको बता दें कि हमने एक बंदे का नाम सुना उसने फेसबुक पे आके चिकन के बारे में बहुत बात की उसका नाम अदनान था तो अगर वो बात सुनेंगे वेल एंड गुड और अगर नहीं सुनना चाह रहे तब भी वेल एंड गुड आप उनको खिला दें आप खुद ना खाएं और अगर आपने खाना ही है तो हफ्ते में एक दिन या हर दो दिन थोड़ा सा चिकन लेके खा लें दैट शुड बी इट अपने आप को ग्रेजुअली इससे वीन ऑफ कीजिए इट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल द सेकंड थिंग ऑन द लिस्ट इज मिल्क ये जो दूध की कंजम्पशन है और ये भी आ, आ, जो जो कन्वेंशनल दूध है क्योंकि हम लोग दूध पत्ती बहुत से लोग पीते हैं और दूध हम समझते हैं कि जी हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है विच इज़ विच इज़ विच इज़ ट्रू बट अगेन द सेम थिंग अप्लाइज़ कि जिस तरीके से वो जो भैंसे हैं जो जो उनको फीड दी जा रही है जो उनको हार्मोन के टीके दिए जा रहे हैं जो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो दूध कि अगर आपने कंजम्पशन करनी है क्योंकि चाय अगर मैं आपको छोड़ने का कहूँगा तो शायद आप यहीं से ही स्क्रीन को बंद करके आप कहेंगे इसकी मैंने बात ही नहीं सुननी सो आई एम नॉट गोइंग देयर ऑल आई एम सेइंग इज ट्रेड योर दूध पत्ती फॉर द अदर टी विच मीन्स कि आपने चाय uh, कावाहदा है उसके अंदर आप थोड़ा सा दूध डालिए तो दूध पत्ती के अंदर जो दूध की अमाउंट होती है वर्सेज जो सेपरेट टी की होती है वो बहुत ज़्यादा फर्क होता है एंड दैट इज़ अ गुड स्टार्ट ठीक है तो चिकन की एक मैं बात करता चलूँ अगर इसके अंदर ऑर्गेनिक है क्योंकि इस वक्त बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल होता है दैट इज़ दैट इज़ द बेस्ट सोर्स यू कैन गो फॉर ऑर्गेनिक चिकन उसके अंदर फिर ये सारे जो एडिटिव और केमिकल्स वाला मामला नहीं होता और इसी तरह मिल्क का है इफ़ इट इज़ ऑर्गेनिक देन इट इज़ गुड टू गो आगे चलते हैं और ये तीसरी चीज वो है कि जिसके बारे में आप बहुत जज्बाती हैं एज ए पाकिस्तानी जो रोटी है हमारी जो चपाती है जिस जिस चीज़ से वो बनती है जो वीट वीट के अंदर जो सब्सटेंस एक्टिव होता है उसको हम कहते हैं ग्लूटन। अब ग्लूटन एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो बॉडी के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है वहाँ पे इरिटेशन प्रोड्यूस करता है वहाँ पे खाने की एब्जॉर्बशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो जब ये मामला होता है तो जो आप एस्ट्रोजन जो आप एस्ट्रोजन बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ पूर न्यूट्रिशन एंड पुर डाइजेशन वो रिसर्कुलेट होना शुरू हो जाती है सो यू वर ट्राइंग टू गेट रेड ऑफ द बैड एस्ट्रोजेंस थ्रू मल्टीपल मीन्स बट बिकॉज योर गट हैज इन्फ्लमेशन इट इज़ नॉट एब्जॉर्बिंग एंड एक्सक्रीटिंग फूड्स प्रॉपरली वो रिसर्कुलेट होना शुरू हो जाती है एंड दैट इज वाई इट इज़ क्रिटिकल दैट यू स्टार्ट वीनिंग ऑफ ग्लूटन एंड वीट मैंने वर्ड यूज किया वीन ऑफ वीन ऑफ का मतलब क्या होता है आप बच्चे से जब आप वो द, आ, जो दूध की जो, जो जो आप उसको आता आता खत्म करते हैं उसको वीनिंग ऑफ कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली दैट्स व्हाट यू गोरेड डू फॉर योरसेल्फ़ बिकॉज अगर मैं आपको यह कहूं कि वन फाइन डेट टमोरो नो वीट

मेरे मैं ऐसे अपने क्लाइंट्स को जानता हूँ और उन जिनके साथ यू नो उन्होंने अब ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है रात को वो चपाती खाएंगे ग्लूटेन खाएंगे सुबह देखेंगे तो उनके बाल गिर रहे होंगे सो ग्लूटेन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ़ पीपल इससे वाटर टेंशन भी होती है और गट की इन्फ्लेमेशन होती है सो so, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है और बाय द वे जैसे भी ऑर्गेनिक मार्केट्स की बात कर रहे हैं, तो देर इज एन ऑप्शन अवेलेबल कि आप ग्लूटन फ्री आटा इस वक्त अवेलेबल है आपने रोटी खानी है तो गो हैड एंड ट्राई एंड सीक आउट ग्लूटन फ्री आटा और इसमें मैं क्योंकि ये तीनों बातें अभी ऑर्गेनिक से कर चुका चिकन की बात की मैंने दूध की बात की उसके बाद फिर अब मैं रोटी वीट की बात की है, ये तीनों चीजें हमारी स्टेपल डाइट के अंदर मौजूद हैं और ये तीनों चीज़ें वही पहली चीज़ें आती हैं कि जिससे हम कहते हैं कि एस्ट्रोजन को नेचुरली अगर कम करना है तो दीज आर द बिग थ्रीज दैट यू गॉट टू लुक आउट फॉर तो आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है दिस इज वाई ब्रेस्ट कैंसर इज एट द टॉप ऑफ द दिक्सटीन कैंसर्स नाउ आई एम नॉट से चिकन मिल्क और वीट की कंजम्पशन से आपको खुदा ना खासा लंग कैंसर होएगा ऑल आई एम सेइंग इज यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू नीड टू गेट स्मार्टर बिकॉज प्रिवेंशन वो कहते हैं अनाउंस ऑफ प्रिवेंशन इट इज बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर ठीक है सो इफ यूर इंटेलिजेंट इनफ यू विल कनेक्ट द डॉट्स आगे चलते हैं तीसरी चीज चौथी चीज के अंदर आ रही है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं रोटी चावल आ, ब्रेड Uh, 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 सब्जियाँ ये तमाम चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं फ्रूट्स और कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा डीमोनाइज भी किया गया है समटाइम्स इट्स द गुड कॉप अदर टाइम्स इट्स द बैड कॉप पीपल आर कन्फ्यूज जो कीटो कर रहे हैं वो बिल्कुल उसको डिमोनाइज कर देते हैं जो uh, जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट लेते हैं वो कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स लेने की जरूरत है सो वाट इज द सोलूशन इट्स रियली रियली सिंपल इफ़ यू इफ़ यू अंडरस्टैंड वट आई एम सेंग पहली चीज़ तो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द प्रॉब्लम द क्वान्टिटी एंड टाइमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज द प्रॉब्लम क्वान्टिटी से क्या मुरादा है कि आप अगर आपने हर मील के अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेस की हुई है आप सिर्फ चावलों की आ, का एक पहाड़ बनाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा शोरबा आप डाल लेते हैं दैट इज़ द प्रॉब्लम और यू नो आई से दिस फ्राम एक्सपीरियंस I've talked to hundreds and hundreds of clients, especially female clients, and that's what they say to me. That that, that is the problem. So excess of everything is bad. So what, what have you got to do? You can have rice. In fact, brown rice is absolutely perfect, wonderful source of carbohydrates, low GI and I, and I advise it to a lot of my my clients. Now करना क्या आपने कि कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को आपने लिमिट करना है कि आपके तीन मील्स हैं उन तीन मील्स में से एक मील में से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें या तो नाश्ते में से निकाल दें या दोपहर के खाने में से निकाल दें बट रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स आपके रहेंगे बिकॉज वेन यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स दे हेल्प यू स्लीप एंड स्लीप इज वे टू इम्पॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड नो मैटर वट द कंडीशंस ठीक है सो so, कार्बोहाइड्रेट्स के और बाक, बाकी सोर्सेस क्या हैं जो हम सब्जियां खाते हैं जो ओकरा है करेला है ब्रिंजुल है कॉलीफ्लावर है दालें कितनी किस्म की हैं रेड बीन्स हैं वाइट बीन्स हैं ये सारी क्या हैं वेजिटेबल्स सो आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये तो आपको पता लग गया कि ग्लूटन या चपाती को मैंने कम करना है तो आपका बाकी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस कहाँ से आ रही हैं वेजिटेबल्स से तो ये वेजिटेबल्स आपको फाइबर भी दे रही हैं विच इज़ अगेन रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर एलिमिनेशन ऑफ दोस्टर्जेंस बिकॉज़ जब आप फाइबर लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर से सफाई करता है डी करता है सो दैट इज वॉट यू गॉट टू डू आगे चलते हैं उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इन लाइन विच इज एप्सोलुटली इंपॉर्टेंट इज योर लिवर फंक्शन आपने डी का वर्ड सुना है कभी आई एम प्रोर इफ यूर अ लेडी एंड यू हैव बिन कॉन्शियस अबाउट योर वेट इन हेल्थ एट समय नो वे ऑन अर्थ दैट यू हैव इग्नोर्ड दिस वर्ड ये ऐसा बज वर्ड है डी कि जो uh, हम समझते हैं कि इट इज गोइंग टू डू वंडर्स एंड इट डज बट द वे यू अप्रोच डी टॉक्स इज अ लिटल इट नीड्स अ लिटल फिक्सिंग नंबर वन डी टॉक्स अगर करना है तो उसके अंदर फ्रूट जूसेज नहीं होते नंबर टू डी टॉक्स अगर आपने करना है तो वो कोई मखसूस दिनों के लिए नहीं होता इट्स एन एवरी डे प्रैक्टिस दैट यू इनकॉपरेट इन योर लाइफ स्टाइल डी टॉक्स का सिंपल मतलब है क्लीन clean करना क्लेंजिंग करना तो जैसे हम अपने दांत हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ नहीं करते या हम uh, शावर महीने में एक दफ़ा नहीं करते इट्स ए रेगुलर थिंग इसी तरह ही अंदर से भी बॉडी को क्लेंस करने की जरूरत है सो इनर डिटॉक्स आउटर डिटॉक्स इट हैज टू हैपन डेली एंड वन ऑफ़ द बेस्ट वे इज टू सपोर्ट एस्ट्रोजन रिमूव एस्ट्रोजन फ्रॉम योर बॉडी इज टू सपोर्ट द मेजर डिटोक्स ऑर्गन विच इज़ द लिवर और लिवर को सपोर्ट कहाँ से मिलती है जब आप अपनी डाइट में से कैफ़ीन की इंटेक थोड़ी सी कम करें कि जो अगर आप चार पाँच छः कप uh, चाय की पी रहे हैं और इवन बर्स इफ यू हैविंग फाइव टू सिक्स कप्स ऑफ कॉफी दैट इज प्रॉबली नॉट अ गुड आइडिया सो यू नीड टू कट डाउन ऑन कैफीन and you also need to support it with the right amount of protein intake और वो protein intake मैं already cover कर चुका हुआ हूँ कि आपने chicken अगर लेंगे तो उसके अंदर organic side पर जाएँ तो that's better और अगर वो available नहीं होता then you go to mutton or you go to beef but you don't go to fish तो आपने liver को support करना है आपने उसको protein intake देनी है और protein intake भी कितनी है literally एक meal में इतना सा portion है ये मेरा पाम साइज देख रहे हैं दैट्स ऑल यू नीड ये भी मिसकनसेप्शन है ऑल दीज दीज बॉडी बिल्डर्स एंड दीज वेट लॉस सो कॉल्ड वेट लॉस गुरुज ये आपको डेढ़ डेढ़ सौ ग्राम uh, प्रोटीन खिलाने के चक्कर में है यू डोंट नीड दैट मच ऑफ प्रोटीन इट इज नॉट असेंशियल फॉर यू इफ यू हैविंग फिफ्टी टू सिक्सटी ग्राम्स दैट इज गुड इनफ सो एवरी मील कैन हैव जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑफ मीट एंड दैट शुड बी गुड इनफ ठीक है तो इसके करने से क्या होएगा आपके लिवर को सपोर्ट मिलेगी और लिवर अपना डिटॉक्स करेगा और जहां दूसरी तरफ से आप अपनी कैफीन की इंटेक कर, कर कम कर रहे होंगे तो आई होप हम ऑलमोस्ट सेशन खत्म कर चुके हुए हैं कि ये बातें आपने लिख ली बिकॉज मैंने शुरू में आपको कहा था कि आई विल बम्बार्ड यू विद इंफॉर्मेशन उसके बाद आगे चलते हैं uh, कैफिन का मैंने पॉइंट लिखा हुआ है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है देन द नेक्स्ट पॉइंट इज योर मूड मैनेजमेंट जो मूड है ना उसको मैनेज करने की ज़रूरत है और ये मूड हर एक का ख़राब होता है ये ये लाइव सेशन करने से पहले मेरा भी मूड खराब था तो इट्स इट्स नेचुरल ठीक है लेकिन वाई एम आई मैंशनिंग दिस इज़ बिकॉज जब इंसान का मूड ऊपर नीचे होता है तो उससे आपकी डाइट की कंसिस्टेंसी आपकी ज़िंदगी के मामला के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो मूड मैनेजमेंट मैंने क्यों मेंशन किया है क्योंकि आप जब डाइटिंग करते हैं आप 500-600 की और वो अजीब अजीब सी लो कैलोरी डाइट्स करते हैं तो योर मूड गोज आउट ऑफ बैलेंस एंड वेन मूड गोज आउट ऑफ बैलेंस बिकॉज ऑफ लो शुगर देन इट इंक्रीजेज स्ट्रेस एंड वैन स्ट्रेस गोज अप एस्ट्रोजन गोज अप एज वेल तो यू सी द लिंक तो ये अप्रोच है कि हमने हर चीज को टोटेलिटी में देखना है मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रही है कि लाइफ का मतलब क्या होता है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दिस दिस थीरी इट्स ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल लेकिन जब उनसे पूछो कि लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है दे गिव यू सच आंसर्स कि उनका आप कहते हो कि इन बातों का रियालिटी से ताल्लुक नहीं है सो यू गॉट टू मेक वन स्टेप एट अ टाइम मैं आपको इनफैक्ट एंड में यह भी बताऊंगा कि आपने इसको प्रैक्टिकल कैसे बनाना इन सारी बातों को सो so, मूड मैनेजमेंट विच मीन्स नो मोर डाइटिंग नो मोर क्रैश डाइटिंग नो मोर कटिंग बैक ऑन कैलरीज नो मोर फीयर ऑफ फूड जब आप इन चीज इन चीज़ों को यकीनी बनाओगे ना तो ट्रस्ट मी ऑन अ डे टू डे बेसिस यू विल फील बेटर यू विल फील मच मोर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ यू विल हैंडल योर सिचुएशन वेल बिकॉज आपकी शुगर स्टेबल होएगी तो जब ब्लड शुगर स्टेबल होती है मूड स्टेबल होता है इंसान का स्ट्रेस भी बेहतर होता है वो अपने मामला को बेहतर तरीके से डील कर पाता है ठीक है उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरे इस पॉइंट से रिलेटेड है विच मीन्स स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड दैट इज़ एब्सोल्यूटली क्रिटिकल देखें स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा एक बात नोट करें वो ये कि जो जिंदगी में हर इंसान के स्ट्रेस है मेरे हैं आपके है आपके नेबर्स के हैं एवरी पर्सन द सेवन बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट एवरी इज़ गॉट स्ट्रेस नो इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेस बट द डिफरेंस इज एक इंसान वो है कि जो स्ट्रेस से अपने आप को रिकवर कर लेता है उसके साथ कोई एपिसोड हुआ उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ उसने अपने आप को समझाया या जो भी मामला किया ही और शी रिकवर्स फ्रॉम दैट स्ट्रेस दूसरी तरफ वो बंदा है कि जो उस स्ट्रेस के दबाव में अंदर ही रहता है वो काम पे स्ट्रेस लेता है वो घर पे स्ट्रेस लेता है वो बच्चों का स्ट्रेस लेता है वो कारोबार का स्ट्रेस लेता है हर जगह का स्ट्रेस उसको कहीं से ब्रीदर नहीं मिलता तो इस तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दैट इज द प्रॉब्लम इज और ये स्ट्रेस क्या करता है ये आपकी जो प्रोजेस्ट्रोन जिसका मैंने पहले जिक्र किया था जो कि एस्ट्रोजन को चेक में रखता है एस्ट्रोजन को बैलेंस में रखता है तो जब स्ट्रेस क्रॉनिक बन जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन बड़ा ड्रामेटिकली डिप करता है और हमारे पास रिजल्ट क्या आता है हाई एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन डोमिनेंस। तो वन एडवाइस you to handle stress is whatever. I don't know what your situation is. I don't know what your life challenges are. I've got my challenges. You've got yours. All you have to do is try to find ways to become better in every situation. What am I trying to say? San ki har jo challenge hai na, uski inability, uski uh, capable na hona. वो स्ट्रेस की वजह है तो जैसे जैसे आप अपने आप को केपेबल बनाते जाते हैं जैसे जैसे आप अपने आप को बेहतर करते जाते हैं मे बी इट रिक्वायर्स दैट यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स मे बी इट रिक्वायर्स दैट यू हैव अ लिटिल मोर पेशेंस बहुत से लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं पाँच मिनट लेट हो जाएंगे तो उनका स्ट्रेस बढ़ जाएगा बहुत से लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं कि अगर टेबल पे चीज़ ऐसी नहीं पड़ी हुई और वैसे पड़ी हुई उनको स्ट्रेस हो जाता है सो यू नीड टू लुक एट द बिग पिक्चर यू नीड टू अप्रीशिएट लाइफ एज इट इज एंड यू नीड टू सर्च एंड सीक इन साइड वट नीड्स टू फिक्स रादर देन ब्लेमिंग कंप्लेनिंग ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं जब अंदर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई मिलेंगी उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है लोगों पर ध्यान दोगे तो लोग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं वो आ, आपके कंट्रोल से बाहर हैं और उसका कुछ नहीं हो सकता ठीक है जी तो ये बेसिक सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू एस्ट्रोजन टू हैंडलिंग एंड मॉडरेटिंग एस्ट्रोजन लास्टली कुछ वाइटमिन हैं वाइटमिन डी विच आई ऑलवेज से वाइटमिन बी और बी कॉम्प्लेक्स होती है उसके अंदर पूरा स्पेक्ट्रम आ जाता है दैट सपोर्ट्स लिवर एंड ऑल ऑल द अदर फंक्शंस प्रोबायोटिक्स इज ऑल्सो रियली रियली इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम is 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 a is a vitamin ट इज एब्सोलूटली क्रिटिकल इट हैज स्लीप इंड्यूसिंग भी है एंड stress as well to तो ये चार hain which I am recommending. और बात ख़त्म करने से पहले मैंने आपसे कहा कि इन सारी बातों को आपने अपना लाइफ कैसे बनाना है वो इस तरह के ऑल द थिंग्स दैट यू हैव नोटेड इनको perfectionism की तरफ मत लेके जाएं. लाइक like I said, चिकन अगर रोज घर में पकता है तो उसको एकदम खत्म करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके कंट्रोल में है अगर कंट्रोल में नहीं है तो वही करें जो फैमिली अगर मांग रही है आपको पता है कि आपकी कंजम्पशन क्यों होगी इफ़ यू हैविंग फाइव कप्स ऑफ टी डोंट ब्रिंग इट डाउन टू वन कप द नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रिंग इट डाउन टू फोर पॉइंट फाइव देन ब्रिंग इट डाउन टू फोर कप्स मेक इट ग्रेजुअल क्योंकि जिंदगी के मामला चल रहे हैं यू हैव मल्टीपल प्रेशर्स ठीक है तो जब इंसान की जिंदगी के प्रेशर्स भी चल रहे होते हैं दूसरी तरफ आपके डाइट के प्रेशर्स आ जाते हैं तो विच वन इज मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट इट्स योर फिटनेस एंड हेल्थ एफर्ट्स क्योंकि बाकी चीज़ों का कोई हमारे पास uh, uh, कोई स्केप नहीं होता वो करनी करनी होती हैं सो वन आई डील विद माई क्लाइंट्स आई ऑल्सो टीच दैम द आर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल एंड दैट इज़ मच मोर क्रिटिकल हमारी इन्वायरमेंट के अंदर सो so, How are you going to do it? You're going to make it gradual, you're going to make it practical, you're going to make it sustainable, and you will give yourself a little bit of time so you can reap benefits from all of this. So, guys, I hope that you have found this session uh, uh, useful because uh, all the information you might have heard already, but probably not the, not the way. Uh, in, in, जो कि हमारी लोकल इन्वायरमेंट के साथ लिंक करती हो हमारे लाइफ के साथ लिंक करती हो सो गाइज आई थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई रियली रियली वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू दिस थिंग दिस हॉमोन कॉल्ड एस्टोजन इट इज एट द ग्रास रूट ऑफ अ लड इशूज एंड यू नीड टू यू नीड टू पे अटेंशन और उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं वट आई एम गोय टू डू इज़ आई एम गोई टू टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस कामेंट्स बिकॉज टाइम ज़्यादा हो गया हुआ है और मेरे नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपके इन कॉमेंट्स का जवाब दूँगा दैट इज़ माई प्रामिस टू यू सो बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज इवन इफ यून इफ़ यू डोंट नो और इवन इफ यू डोट हैव एन एस्ट्रज एन इशू ये बात नोट कर लें कि अगर आप वेट लॉस भी करें ना तो उसकी background में health के masail हैं health को ठीक करेंगे तो वेट के मामला खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे और अगर सिर्फ वेट लॉस के ऊपर फोकस करेंगे और हेल्थ के लिए कोई रिगार्ड नहीं करेंगे तो वही होएगा जो अभी तक आपके साथ हुआ है वो वेट या तो स्टक हो जाएगा या तो वो वापस आएगा या उस प्रोसेस में आपके बाल गिर रहे होंगे आपके स्किन का और जिसम का बेड़ा हर्क हो रहा होगा सो यू गेट द पिक्चर राइट सो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम आई विल बी इन टच थैंक यू फॉर एंगेजिंग मैं आपके कॉमेंट्स इन शह नेक्स्ट सेशन में आंसर uh, करूंगा ऑन दैट नोट वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू विल बी इन टच